और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है ज्ञान वापी मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदू पक्ष को मिला है पूजा का अधिकार। 7 दिन के अंदर पूजा की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर ज्ञान वापी मामले से जुड़ी ही, वाराणसी में ज्ञान वापी परिसर में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। पूजा की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। ज्ञान वापी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर से आप तमाम दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। तो वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर में हिंदू पक्ष को अब पूजा का अधिकार मिल गया है। बड़ी खबर इस वक्त की ज्ञान वापी मामले में, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिल गया है। तो हिंदू पक्ष एक बड़ी जीत के रूप में इस फैसले को ले रहा है। 7 दिन के अंदर पूजा की व्यवस्था करने के आदेश जारी हो गए हैं। ज्ञान वापी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट है। तो ज्ञान वापी से जुड़ा हुआ ये मामला, इसमें हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है, बड़ी खबर। और मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति जताई थी, जो दावा किया था, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो 7 दिन के अंदर पूजा की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। ज्ञान वापी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है और 7 दिन के अंदर अदालत ने पूजा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो ज्ञान वापी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। काने में ब्यास जी को कब्जे से मुक्त करके धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया था तत्कालिक सरकार ने, उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार ब्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। और एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, इसको कंप्लेन करे, ऐसी मांग हम लोग की है। जी अच्छा, एक बात और है कि एक हफ्ते से पहले भी पूजा शुरू, बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर, जो कोर्ट के आदेश को कंप्लेन कैसे किया जाए, इस पे जिला प्रशासन से बात होगी। नहीं, अब रिटर्न आदेश आ गया, अब तो आ ही गया रिटर्न आदेश। रिटर्न आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भाई आदेशित किया है कि इसको कंप्लेन करिए, पूजा पाठ वगैरह जो स्थिति थी 1993 की उसको पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। तो 7 दिन के अंदर पूजा शुरू हो जाएगी। जो व्यास का तहखाना है, व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल गया है, बड़ी खबर। काशी की ज्ञान वापी परिसर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर 7 दिन के अंदर पूजा के जो व्यवस्थाएं हैं उसको मुकम्मल करने के आदेश दिए हैं। व्यास परिवार को ये आदेश कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं, कुछ जरूरी था, क्योंकि उसी में तो सारा चीज मिला था, उसी में विष्णु जी, शंकर जी, राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियाँ थे सब ब्यास जी के तहखाने से मिली थी, शिवलिंग में ब्यास जी के तहखाने से मिला था, इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को ब्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। हाँ, तो एक हफ्ता में पूरी तैयारी हो जाएगी, हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे, जिला प्रशासन जिला अधिकारी से मिल के हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। मिल गया में, अरे 30 साल से बंद था वहाँ पे पूजा,
30 साल से बंद था, अब जाके मतलब नंदी भगवान का प्रतीक्षा भी पूरा हो रहा है, दिन ब दिन पूरा होता जा, एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोग की सबसे बहुत बड़ी जीत है सर्वे के बाद की। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ज्ञान बापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा का आदेश मिल गया है और 31 सालों से बताया जा रहा है जो मुलायम सिंह की सरकार थी उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उसमें मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें दो रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया व्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी सीधे ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इतिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया, कल कहा 30 जनवरी को हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि हम प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उस पर दूसर का रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इतिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई।